टॉप ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावा सर बताइए इस समय का आपका टॉप ट्रेड। गुड आफ्टरनून ट्रेड, इस समय का टॉप ट्रेड है बैंकिंग क्षेत्र से और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिग्गज ट्रेड कर रहा है 9756 पर, सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लगाना है, 5750 का 5 रुपए का स्टॉप लगाना है बस। टारगेट 770 के नजर आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज नहीं तो मंडे, लेकिन आएगा जरूर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 756 पे आपकी लॉन्ग कॉल है प्रकाश सर के इस वक्त की, और अभी हम चर्चा कर ही रहे थे इस स्टॉक पे। रुचित गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून मेहुल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, मेरा भी बैंकिंग स्पेस से रहेगा क्योंकि 47,000 काफी इंपॉर्टेंट हर्डल था बैंक निफ्टी के लिए जो आज सरपास किया। सो आई थिंक नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी अब अपने पिछले जो ऑल टाइम हाई थे उसकी तरफ जा सकता है, कंसिडरिंग ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। तो बैंकिंग स्पेस में से आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह। सो एक सिंपल यहाँ पे एनालिसिस है कि जब पूरा बैंकिंग स्पेस करेक्टिव फेज में था तो आईसीआईसीआई बैंक ऐसा स्टॉक था जिसने मोर एक टाइम वाइज करेक्शन बताया था। तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस करेक्टिव फेज के टाइम पे था, तो हमें लग रहा है कि अब जब मोमेंटम रिज्यूम हुआ है पूरे सेक्टर में तो ये जो करेक्शन के टाइम पे आउट परफॉर्म दिखा रहा था इसमें मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग पिकअप हो सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक करंटली 1100 के आसपास खरीदारी करे, 1070 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के और 1160 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, चलिए आशीष चतुर्मोता को भी जोड़ लेते हैं। आशीष गुड आफ्टरनून। आशीष, बहुत स्ट्रांग मार्केट, लार्ज कैप में शानदार मोमेंटम, इस समय आपके पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए मेरे हिसाब से कैपिटल गुड स्पेस जो है वो काफी प्रॉमिसिंग लगता है, और उस पर हमने सीमेंस और एलएनटी की चर्चा पिछले 2-3 के बार शोज में की, और मुझे लगता है अभी भी यहाँ ट्रेंड काफी मजबूत है। एलएनटी पे हमने 4,000 के लक्ष्य की बात की थी और सीमेंस में भी हमने करीब 5,500 की एक अपसाइड की बात की, तो मुझे लगता है ये दोनों ही स्टॉक हमें काफी पसंद है। बट इसके अलावा एक स्टॉक में और आज ऐड करना चाहूंगा जो एक फ्रेश बाय के तौर पर जिसको लिया जा सकता है, और डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक में हमारी पोजीशंस भी है पोर्टफोलियोज में, और वो है कैनरा बैंक। मुझे लगता है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है पूरा पीएसयू बैंक का सेटअप। तो पीएसयू बैंक भी जो 77.99 पे, उसमें तो हमारा व्यू है ही कि ये 85 मीडियम टर्म में और 100 रुपया लॉन्ग टर्म में करेगा। बट इसमें अगर से एक स्टॉक चूज करना हो तो कैनरा बैंक के साथ में जाना चाहूंगा, जहां पर पे मेरा मानना है कि 630 से 640 तक की अपसाइड आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को नजर आ सकती है, और बहुत अच्छा बेस स्टॉक का बना है 574 पे। अब इस बैंक की बात करें तो ये 1x प्राइस टू बुक पे ट्रेलिंग बेसिस पे, और अगर से फॉरवर्ड बेसिस पे मैं देखूं तो 0.80 लेवल पे, 0.80 पे ये प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, और हम देख रहे हैं 16 से 17% का लोन ग्रोथ इस बैंक के अंदर में कंटिन्यूस बेसिस पे देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए के जो नंबर्स है वो बिलो 1.5% के पास है, जो कि बहुत ही ज्यादा हमें कंफर्ट दे रहे हैं, और हमें लगता है जिस तरह से 16-17% की लोन ग्रोथ पीएसयू बैंक्स के अंदर में और कैनरा बैंक जैसे बैंक में देखने को नजर आ रही है, प्राइस टू बुक पे 1.5x प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक्स आने वाले समय में ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है एक जबरदस्त री रेटिंग पूरे पीएसयू बैंक स्टॉक में देखने को नजर आएगा, और उसमें कैनरा बैंक मुझे यहाँ से 10 से 15% की अपसाइड मीडियम टर्म में दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कैनरा बैंक आपका कन्विशन ट्रेड 587 पे और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। जतिन गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून, मेरा जो ट्रेड होगा वो सन टीवी में होगा। तो रिसेंटली हमने देखा है कि 2 दिनों का एक कंसोलिडेशन पिछले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया था अपसाइड पे, और आज मेरे को लगता है कि थोड़ा साइडवेज ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी ये सब स्टॉक्स में जो अभी तक रैली नहीं हुए उसमें भी एक रैली हमें देखने मिल सकती है। इसके लिए सन टीवी बाय करके चले, मेरा टारगेट 622 का रहेगा और मैं इसमें स्टॉप लॉस 592 का सजेस्ट करूं। ओके, आशीष बहती को भी जोड़ लेते हैं। आशीष गुड आफ्टरनून, शानदार मोमेंटम मार्केट में, आप कौन सा स्टॉक पिक करेंगे? गुड आफ्टरनून अनुजी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुजी मेरा टॉपिक रहेगा अभी के लिए ग्रासिम स्टॉक, भले ही 4% अप है लेकिन स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, और इन लेवल्स पे भी स्टॉक में इतनी अच्छी तेजी और इतना अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है वो काफी इंप्रेसिव है। वॉल्यूम्स भी अभी तक जो एवरेज वॉल्यूम्स होते हैं उससे ज्यादा वॉल्यूम ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है, तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 2260 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2330 का पहला टारगेट और 2360 के सेकेंड टारगेट के लिए इसमें पोजिशन बनाने की सलाह रहेगी। 2461 अब निफ्टी पर इस समय, शानदार मोमेंटम 2460 के करीब करीब। कविता जी गुड आफ्टरनून, कविता जी आपके पिक? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल,
ऑटो से हीरो मोटो कॉर्प की पोजीशनिंग काफी अच्छी लग रही है। अपने 10 EMA के ऊपर ये निकला है काउंटर और फिलहाल 4720 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 4780 तक के प्राइस टारगेट की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो 4780 के प्राइस टारगेट के लिए हीरो मोटो कॉर्प पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 4650 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजिशनिंग कर सकते हैं। ओके okay.